अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो हम थोड़ा ब्रीफ करने जा रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो इस सीरीज स्टार्ट की थी UBNT से रिलेटेड, UBQT से बेसिकली, जिसके जरिए हम बुर्ज बनाते हैं या फिर एयर लिंक क्रिएट करते हैं। तो हमने लास्ट थोड़ी वीडियोज में देखा था कि हमारे पास जो पावर बीम थी, इसके बाद नैनो बीम थी, लाइट बीम थी, इनको किस तरह से रीसेट कर सकते हैं या इनको किस तरह से इनका फ्रेमवेयर अपडेट कर सकते हैं, इसको किस तरह से डिग्रेड कर सकते हैं, मतलब सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इसको हार्ड रीसेट किस तरह से कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट किस तरह से कर सकते हैं, पूरी की वीडियो हमने एक सीरीज क्रिएट की थी। अब हम प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इसको कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं अपने पीसी में। तो खैर, पावर केबल लगाना तो सबको आता है, किस तरह से लगाते हैं। तो जो नैना बीम या पावर बीम या लाइट बीम होती हैं, इसके अलावा M5, जितनी भी UBQT की या UBNT की जितनी भी डिवाइसेज हैं, वो बाई डिफ़ॉल्ट जो आती हैं वो 192.168.1.20 से 1.20 के IP से आती है। उसी के थ्रू हम उसको असेस कर सकते हैं एज अ लॉग इन पेज। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर मैं डायरेक्टली जाऊंगा यहाँ से अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ 192.168.1.20, तो सॉरी यहाँ पे 20, ओके। तो ये देखिए, ये इसके लॉगिन पेज को एसेस नहीं कर रही है। तो तमाम की तमाम डिवाइसेस इसी आईपी से एसेस करती हैं, UBNT की जितनी भी हैं। वो पावर बीम भी हो सकती है, लाइन बीम भी हो सकती है, नैनो बीम भी हो सकती है, इसके पावर स्टेशन भी हो सकते हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं, मतलब UBQT या UBNT की जितनी भी डिवाइसेज हैं वो इसी पेज इसी लॉगिन से IP से लॉगिन करती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम जाएंगे यहाँ से सेटिंग में, उसके बाद अपने नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाएंगे, और उसके बाद IPv4 में जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे TCP/IP की। यहाँ पे हमें नेटवर्क देना पड़ेगा नेटवर्क 1 का, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम वहाँ पे 192.168.1 डॉट, इसके बाद ये जो लास्ट डिजिट है IP का, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ये यहाँ पे मतलब सूट करता है जो भी आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, या 10 दे देता हूँ, 20 दे देता हूँ, 30 दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ, कोई भी किसी भी किस्म का आप यहाँ पे दे सकते हैं। और सबनेट मास्क जो है वो भी आप कोई भी दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा, 255.255.255, ऐसी तरह नॉर्मल चलता है। गेटवे की जरूरत नहीं होती है, अगर आप देना चाहते हैं तो 192.168.1.1 गेटवे, आपको पता है कि वो हमेशा 1 से ही मतलब चलता है, तो उसको जो हमेशा होता है लास्ट डिजिट उसका 1 ही रहेगा, क्योंकि ये इसको एक गेट प्रोवाइड करना होता है उसको। तो ये हमेशा ये जो ऑक्यूपाइड करता है, ये हमेशा गेटवे को ही मिलता है 1। उसके अलावा आप 1 के अलावा कोई भी दे सकते हैं, 1 और 20 के अलावा। तो खैर, 20 क्योंकि बेसिकली इस डिवाइस का होता है, और 1 जो होता है ये गेटवे के लिए यूज़ होता है, 20 जो होता है वो डिवाइस जिसके थ्रू हमने लॉगिन करना होता है ये उसके लिए रिजर्व्ड होता है। तो खैर, इतनी सी सेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी IP दे सकते हैं, मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे 1 का नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। तो खैर, मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए, ये आइडेंटिफाई करने लग गया है। आप मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से क्लोज करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये उसने UBQT का जो लॉगिन पेज है उसको असेस कर दिया है। उसके बाद आप फर्दर इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर बीम, मेरे पास जो अभी कनेक्टेड है ये पावर बीम है 5 AC, नैनो बीम का भी सेम प्रोसीजर है, लाइट बीम का भी सेम प्रोसीजर है, इसके अलावा इसके जो स्टेशन हैं उनका भी सेम प्रोसीजर है। हम यहाँ से एग्री करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। तो खैर, आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इनको कन्फिगर करने की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।